तो यार ये जो गुब्बारा ना ये बहुत ही बड़ा है और जब ये फूलता ना तो बहुत बड़े साइज में हो जाता, तब आता है मजा। तो हां जी, क्या हालचाल? बढ़िया सब। आज बदम करने क्या वाले? मतलब आपने कभी ना कभी तो ये देखा होगा, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर देखा होगा, मतलब वीडियोस में देखा होगा या फिर गली मोहल्ले में देखा होगा, जो साइकिल पे जाते हैं ना उससे थोड़ा छोटा सिलेंडर रखते हैं। अब आपको ये पता भी होगा कि हाइड्रोजन गैस के जो गुब्बारे होते हैं जब भरते तो आसमान में जाते हैं। तो ये हो गया भाई हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर। और फिर आता है ये वाला सिलेंडर। ये कौन सा सिलेंडर है? ये वो वाला सिलेंडर है जिससे हमारे घर में रोटियां बनती है, सब्जी बनती है, खाना बनता है इन सिलेंडर की मदद से। इसमें आती है एलपीजी गैस। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप सब जानते हैं। बट ये गैस कैसी होती है? अगर इस गैस से गुब्बारा भर दिया जाए तो क्या होगा? तो आज वही ट्राई करते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, हम पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, फायर एक्सटिंगशर रखते हैं, पानी रखते हैं, रेत रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। इसलिए आप देखो, इन्जॉय करो, बट घर पर ट्राई बिल्कुल मत करना। तो बस वीडियो देखो और मजे लो, हम करते हैं ना बाकी सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर मैं इसको खोल रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, जो भी इसमें दिखाया जाता है पूरी सावधानी के साथ किया जाता है, तो उसको दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अभी देखो ये मैंने करा रेगुलेटर ऑन और इधर से गैस निकल रही होगी, सॉरी, और देखो गुब्बारा भर रहा है ये रहा। बहुत गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे इसकी। पता है एलपीजी की स्मेल ऐड करने के लिए क्या यूज होता है? वो भी बताऊंगा आपको भी, मिथाइल मरकैप्टेन। तो देखो अच्छा खासा गुब्बारा यहाँ पे भर चुका है। और ये देखो ये जो गुब्बारा ना, ये इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ और गुब्बारा सीधा ऐसे आ जाता है, और पकड़ने में भी काफी हैवी है, वेट इसका जो है ना वो काफी लग रहा है। अब देखो इसकी आवाज सुनो, जब मैं इसको यहाँ पे पकड़ रहा हूँ उसे, तो इसकी आवाज भी अलग आ रही है, थोड़ी सी मेटालिक सी साउंड आ रही है, और इसके अंदर सिर्फ गैस है। तो जो गैस है एलपीजी वो काफी भारी होती है। अब मुझे पता है आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी, ये जो गुब्बारा भरा है ना, इस गुब्बारे में भाई आग लगा दो। तो ऐसे ही कुछ करेंगे। तो इससे पहले मैं हाइड्रोजन गैस का भी आपको गुब्बारा भर के दिखाता हूँ। तो इसमें लगाते भाई गांठ। तो ये है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ऊपर लगा हुआ रेगुलेटर, इसको जैसे घुमाएंगे गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। कुणाल घुमाइयो हल्का सा। तो देखो आवाज आ रही होगी आपको, यहाँ पे गैस रिलीज होना शुरू हो गई है। और ये लगाया मैंने यहाँ पे गुब्बारा, छोटी सी बड़ा छोटी, और देखना यहाँ पे आपको पता चल जाएगा गुब्बारा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ से गैप दिख रहा है ना, ये भी उठ जाएगा। लीक हो रही है, कर दे बंद कर दे। ये देखो तो यहाँ पे ये दोनों गुब्बारे हो गए तैयार। ओ भाई साहब, सबसे कड़ा काम है भाई ये गांठ लगाना, क्योंकि इसकी रबड़ देख रहे हो आप, ये बहुत मोटी है। इस एक गुब्बारे की कीमत है भाई 90 रुपये, बहुत महंगा आता है ये वाला। तो देखो यहाँ पे इस गुब्बारे को जैसे हम छोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन का, ये ऊपर जाना शुरू हो गया, देखो कितनी ऊपर चला गया। और जैसे ही ये वाला है इसको पकड़, तो देखो ये एलपीजी का है, एलपीजी को जैसे यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ तुरंत नीचे, और स्पीड देखो गिरने की, ये देखो एकदम से नीचे आ रहा है। और जो मैं आवाज कह रहा था, इसको पास में लेके आओ, पकड़ ले यहाँ से पकड़ इसको। अब देखना जो आवाज कह रहा था ना, ये देखना इसकी आवाज अलग है, और इसकी आवाज सुनो। और अब भर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल हवा का, देखो ये एयर पंप है, और बिल्कुल नॉर्मल हवा में देखते हैं कैसी आवाज आती है। चलो चलो, अब नॉर्मल हवा की आवाज सुनो, बिल्कुल अलग है ना, हाइड्रोजन से, एलपीजी से, और इसकी बिल्कुल अलग है। अब इस गुब्बारे को अगर मैं छोड़ रहा हूँ, देखो एलपीजी और इसमें फर्क दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो दोनों को छोड़ रहा हूँ एक साथ। अब बाउंस में भी देख लो आप कितना ज्यादा ही बाउंस ले रहा है। इसको मैं यहां से छोड़ रहा हूँ तो देखना इसका बाउंस, देख रहे हो कितना बाउंस, और इसकी आवाज आएगी गिरने की, ऐसे कुछ पता चल रहा है, पर आवाज में बहुत फर्क आ रहा है। ऐसे ज्यादा पता नहीं चल रहा ना, उधर वहां कोई बैठा, देखो वहां कोई बैठा ना, उसके पास चलते उसे दिखाते गुब्बारे। भाई साहब यहाँ 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 मैं जा रहा हूँ, यहाँ 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 जाओ, इधर आओ। ये बताओ कौन सा गुब्बारा भारी है? तो यहाँ पे एक लड़का पकड़ा हमें, ये भारी है या ये भारी है? ये भारी है। कौन सा भारी है? ये भारी है। गिर गया, तब आपको यकीन आ गया होगा कि ये वाला गुब्बारा भारी है। चलो भाई साहब कर लो जो आप कर रहे थे वहीं। तो
सबसे पहले ले रहा हूँ ये नॉर्मल वाला, जिसमें हमने हवा भरी है ना नॉर्मल, उसको यहाँ पे हमने चिपका दिया, ये गया टिक। अब लगाएंगे इसमें आग। आग कैसे लगाएंगे भाई? मशाल से। ये रही अपनी मशाल दिवाली वाली। अब लगाते हैं कौन सा? एलपीजी वाला। और अब की बार वो है जिसका सबको इंतजार है, हाइड्रोजन गैस वाला। वो रखा वहां पे, मैं लगाने वाला हूँ आग। और आपको क्या करना, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, तभी जाऊँ आगे। जल्दी करो, नीचे आ रहा ना, कर दो सब्सक्राइब, बुझ जाएगा। कर दिया, लाइक भी कर दो, कर दी। चलो अब लगाते हैं आग। तो देखा आपने, धमाके की आवाज कितनी ज्यादा तेज आई है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। मुझे ये लग रहा था जो एलपीजी है ना, जिसे हम घर में यूज करते हैं, ये रहता है कि घर में आपने सुना होगा कि एलपीजी लीक कर गई, पूरे घर में गैस फैल गई और आग लगते ऐसे धमाका हो गया। तो ये बात सच है। आज हमने जो गुब्बारे में करा ना, इस गुब्बारे को देखे जो हमने यहाँ पे लगाई थी, पता चल गया भाई, सब कुछ पता चल गया। एलपीजी ने करा लीक, गुब्बारे से लीक हुई, सारे में फैली और जब आग लगी ना तो एकदम भभका आया। ऐसे हुआ एलपीजी के साथ। नॉर्मल हवा में तो कुछ नहीं था, फिर उसके बाद जब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन में तो भाई धमाका हुआ है। मतलब उसमें ऐसे नहीं हुआ कि गैस लीक करी और आग लग गई, हाइड्रोजन में पूरा हुआ है एक्सप्लोजन, बूम, ऐसा तगड़ा धमाका हुआ एक्सप्लोजन। मतलब देख रहे हो आप, गुब्बारा इतना बड़ा था बस। अगर इसका बड़ा होना, गुब्बारे में प्रेशर भी नहीं था इतना ज्यादा, तो आराम से फट गया। अगर प्रेशराइज होना तो बहुत ज्यादा तेज धमाका हो सकता है। इसलिए बोलता हूँ कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये रिस्की हो सकती है। तो ये सब काम हम पे छोड़ दो, हम करेंगे। आपको जो करना है ना, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, नीचे सब्सक्राइब करा, वहां पे क्लिक कर दो। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दो। और हम मिलेंगे अब दोबारा नए वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।